दोस्तों, अगर आप ई श्रम कार्ड के धारक हैं तो आपके लिए तीन बहुत बड़ी अपडेट आई हुई है। अगर आप एक बेरोजगार हैं और आपके पास कोई भी काम नहीं है, या फिर आप कोई भी काम सीखना चाहते हैं, आप कोई जॉब लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप ई श्रम कार्ड के थ्रू से ले सकते हैं। यहाँ पर आपको सभी चीज़ें आपको मिल जाएंगे। जैसे कि आप कोई भी काम नहीं जानते हैं तो जो भी आपको काम सीखना है उसका ट्रेनिंग यहाँ पर आप ले सकते हैं। ट्रेनिंग लेने के बाद यहाँ पर आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा और साथ ही साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 8,000 रुपया भी आपको दिया जाएगा। और साथ ही साथ में यहाँ पर आपको जॉब भी मिल जाएगा। जो भी आप काम सीखेंगे उसका अगर आपको जॉब भी चाहिए तो वहाँ पर आपको इंस्टेंटली दिया जाएगा, तुरंत आपको मिल जाएगा, आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से इस श्रम कार्ड में तीन बहुत बड़ी अपडेट आई हुई है। तो अगर आप एक बेरोजगार हैं और अगर आप काम सीखना चाहते हैं और जॉब लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करनी है और कैसे आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, और साथ ही साथ में यहाँ पर आप जॉब के लिए अप्लाई भी कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी हम ई श्रम कार्ड के पोर्टल पर आ चुके हैं। इस पोर्टल का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जैसे आप पोर्टल पर विजिट होंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करनी है। स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर तीन नया अपडेट लाया गया है। पहला अपडेट है लुकिंग फॉर ट्रेनिंग, दूसरा अपडेट है लुकिंग फॉर अप्रेंटिसशिप, और उसके बाद है लुकिंग फॉर जॉब। तो दोस्तों, अगर आप बेरोजगार हैं, आपके पास कोई भी काम नहीं है, या फिर काम सीखना चाहते हैं, सीखने के बाद आप डायरेक्ट यहाँ पर जॉब भी करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या करना है कि सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना है इसमें। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है लुकिंग फॉर ट्रेनिंग का ऑप्शन, इसमें आपको क्लिक करना है। अब क्लिक करेंगे दोस्तों, वैसे ही आप स्किल इंडिया के पोर्टल में विजिट हो जाएंगे। स्किल इंडिया पोर्टल ई श्रम कार्ड में जोड़ दिया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब इसमें यहाँ पर आप विजिट हो जाएंगे। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको ऊपर में दो ऑप्शन मिलेगा, लॉगिन और रजिस्टर का ऑप्शन। रजिस्टर करना है तो आपको रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। रजिस्टर पर जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पर सिलेक्ट करना है चूज योर यूजर ग्रुप, इसमें आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिया गया है, तो आपको सिंपली से सिलेक्ट करना है, कैंडिडेट के ऊपर सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करते ही दोस्तों, यहाँ पर एक नया फॉर्म ओपन हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आपको कुछ बेसिक डिटेल्स फिल करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको सिलेक्शन सेलेक्ट करना है, यानी आपको अपना टाइटल सेलेक्ट कर देना है, जो भी आपकी टाइटल है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको अपना पूरा फुल नेम टाइप करना है, और फिर यहाँ पर गार्जियन नेम फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद यहाँ से आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर एक ईमेल एड्रेस फिल करना है, और यहाँ पर एक मोबाइल नंबर एंटर करना है। आपको सेलेक्ट करनी है ओनर ऑफ मोबाइल, यानी मोबाइल का ओनर कौन है, फादर सेल्फ जो भी है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। बाद यहाँ पर आपको सेलेक्ट करनी है कि आप कब फ्री रहते हैं, कौन से टाइम में आपको कोई भी काम नहीं रहता है, यानी आप फ्री रहते हैं, उस टाइम को यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। या फिर आप किस टाइम पर जॉब करना चाहते हैं, ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, उसी टाइम को यहाँ पर अपने अनुसार से सेलेक्ट करना है। जैसे कि अगर आप एक दिन के लिए करना चाहते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये भी ऑप्शन दिया गया है ओनली ऑन संडे, यानी भी आप काम की ट्रेनिंग करना चाहते हैं उसको अगर आप सिर्फ संडे को करना चाहते हैं तो आप ओनली ऑन संडे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर अपने अनुसार से कोई भी टाइम यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर देना है। तो जैसे कि यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर दिया है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर फिल कर देना है, यानी आप अपने गार्जियन की किसी का भी यहाँ पर आपको इंटर कर देना है, उतना है। इसलिए यहाँ पर मांगा जाता है कि जब आप यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं, सबमिट कर देते हैं, तो फिर आपके पास एक कॉल आता है। तो उस समय अगर आप रिसीव नहीं कर पाएंगे तो जो भी आप अल्टरनेट नंबर देंगे उसमें आपका कॉल आ जाएगा, फिर आपकी जो जॉब है वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑनर सेलेक्ट करना है, अल्टरनेट मोबाइल नंबर जिसका भी दिए उसका यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर देना है, जैसे कि हम फादर सेलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको एक व्हाट्सअप मोबाइल नंबर भी फिल कर देना है। तो व्हाट्सअप नंबर इसलिए मांगा जाता है कि आप जो भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं उसके बारे में पूरी डिटेल्स में आपको सेंड करता ही रहेगा, और साथ में आपको ट्रेनिंग भी दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक व्हाट्सअप मोबाइल नंबर भी फिल करना है। उसके बाद सेलेक्ट करनी है लैंग्वेज टू स्पीक, यानी आप कौन से लैंग्वेज से बात कर सकते हैं उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आपको इंग्लिश आता है तो इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे, हिंदी आता है तो हिंदी सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर सभी लैंग्वेज दिया गया है तो यहाँ पर हम हिंदी सेलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ से आपको अपना एजुकेशन लेवल सेलेक्ट करना है कि आप कितना पढ़ाई किए हुए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर आप मिनिमम देखेंगे तो 5 क्लास तक दिया है, यानी कि अगर आप 5 क्लास तक ही पढ़े लिखे हैं और आपके पास कोई भी काम नहीं है, या ना ही आपको कोई भी काम की स्किल्स मालूम है, तो यहाँ पर आप 5 क्लास का भी आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो एजुकेशन लेवल में यहाँ पर 5 क्लास जो एड किया गया वो हमें काफी अच्छा लग रहा है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग अभी हैं जिसके पास कोई भी काम नहीं है, कोई भी जॉब नहीं है, तो इधर उधर भटक रहे हैं। तो आपको कुछ भी नहीं करना, आप अगर चाहे तो 5 क्लास का है
तो आपको 5 क्लास में ही सेलेक्ट करना है, या फिर आप 12 हैं तो जितना भी आप पढ़ाई किए हुए उसको यहाँ पर आप सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपना पिन कोड फिल करना है और यहाँ से आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, जो भी आपकी स्टेट है, और यहाँ से आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद यहाँ पर आपको सेक्टर सेलेक्ट करना है, यानी कि आप कौन सा काम करना चाहती हैं, यहाँ पर आपको सेक्टर सेलेक्ट करना है। जैसे कि बहुत सारा काम दिया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर हम कोई भी एक एग्जांपल के लिए सिलेक्ट कर देते हैं। अब जिससे सेलेक्ट करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कि जैसे हमने सेलेक्ट किया इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में हम क्या काम करना चाहते हैं उसको यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर सीखना चाहती है, इसमें आप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको कैटेगरी वाइज मिल जाएगा, ये आपका काम हुआ, लेकिन इसके अंदर कितना काम है तो यहाँ पर वो लिस्ट यहाँ पर दिखाई जाती है। तो जो भी आप काम सीखना चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, उसको यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर देना है। तो जैसे कि यहाँ पर हम सोलर एंड एलईडी में सेलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है जॉब रोल, इसमें आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर जो भी आप कैटेगरी सेलेक्ट किए उसमें आपको सिर्फ क्या क्या सीखना है उसको यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। तो जैसे कि यहाँ पर हम एग्जाम्पल के लिए कुछ भी हम सिलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है एसोसिएटेड प्रोग्राम, यहाँ पर ऑप्शनल में, अगर आप चाहे तो सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर इसको आपको खाली छोड़ देना है, ये ऑप्शनल में दिया गया है। के बाद यहाँ पर ये है कि इंटरेस्टेड इन, यानी कि आप किस तरह का काम करना चाहते हैं, किसमें आपको ज्यादा इंटरेस्ट है, तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस दिया गया है, यानी आप किस तरीके से सीखना चाहते हैं जो भी आप काम सिलेक्ट किए हैं। तो अगर आप सिर्फ ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पर हम सोलर एंड एलईडी के बारे में हम सीखना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप सिर्फ ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन में सिलेक्ट करना है। और अगर आप ट्रेनिंग के साथ साथ तुरंत आप जॉब भी लेना चाहते हैं, यानी कि जिस काम का आप ट्रेनिंग करें उस काम के बाद तुरंत आपको प्लेसमेंट कर दिया जाएगा, यानी दूसरे जगह आपको भेज दिया जाएगा और वहां से आपकी जॉब शुरू हो जाएगा, और जब आप जॉब करना स्टार्ट कर देंगे तो आपको सैलरी भी दिया जाएगा। तो हमारी तरफ से सजेशन यही है कि आप सेकेंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करें, क्योंकि आप एक बेरोजगार हैं तो आपको तुरंत काम भी चाहिए, तो इसमें ही आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद पेड कोर्सेज है और रोजगार मेला है, ध्यान नहीं देना, आपको सिंपली सेकेंड वाले ऑप्शन में सिलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पर आई एम नॉट ए रोबोट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपका वेरीफाई हो जाएगा। ये बात दोस्तों यहाँ पर मिल जाता है सबमिट का ऑप्शन, आपको सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से आप कोई भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद दोस्तों आपके पास कॉल आएगा, तो उसमें आपको बताया जाएगा कि आप जिस जॉब के लिए अप्लाई किए हैं तो क्या वो आप करना चाहते हैं, तो सब कुछ यहाँ पर आपको बता देना है। उसके बाद आप जो टाइम सेलेक्ट किए हैं, जिस टाइम में आप जॉब करना चाहते हैं, ट्रेनिंग लेना चाहते हैं कोई भी काम का, उस टाइम में आपको जाकर आपको ट्रेनिंग लेना है। तो सवाल ये होता है कि आपको कहां पर जाकर ट्रेनिंग करना है, तो दोस्तों इसका जहां पर भी संस्थान होगा, यानी कि जैसे आप जो भी काम सेलेक्ट करते हैं उसका, उस काम का जिस शहर में होगा अवेलेबल, उसी शहर में आपको जाना पड़ेगा। अगर आप ग्रामीण से बिलोंग करते हैं तो आपको शहरी क्षेत्र में जाकर ये चीज आपको करनी होगी, तभी आप यहाँ पर कोई भी काम सीख सकते हैं और साथ में आप जॉब भी कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे ही यहाँ पर आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, वैसे यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा और साथ ही साथ में आपको सरकार की तरफ से 8,000 रुपया इंस्टेंटली तुरंत आपको दिया जाएगा। जो भी आप ट्रेनिंग लेते हैं उसका पैसा दिया जाएगा और साथ ही साथ में फिर यहाँ पर आपको जॉब भी मिल जाएगा और जॉब करके आप काफी अच्छा पैसे कमा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो दिया गया दूसरा ऑप्शन, ये कोई खास नहीं है, इसको हम नहीं बताना चाहते हैं। उसके बाद है लुकिंग फॉर जॉब, यानी कि आप कोई भी जॉब के लिए डायरेक्ट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, यानी कोई भी जॉब का आपने ट्रेनिंग ले लिया है कम्प्लीटली तो आप उस जॉब के लिए डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको लुकिंग फॉर जॉब के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों, वैसे ही आप नए पोर्टल में विजिट हो जाएंगे। इस पोर्टल का नाम है नेशनल करियर सर्विस। इसमें आपको सरकारी से रिलेटेड जितने भी जॉब होते हैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, आप डायरेक्ट यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है कि नीचे स्क्रॉल करना है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको जॉब फाइंड करना है कि आप कौन सा जॉब करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी है। उसके बाद जैसे कि यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं डाटा से रिलेटेड करना है, जो भी जॉब आपको लेना है तो यहाँ पर आपको सिंपली से टाइप कर देना है उस जॉब को, जैसे कि हमने टाइप किया है। अब जैसे ही टाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको सजेशन में मिल जाएगा जो भी आप काम के लिए यहाँ पर फाइंड करना चाहती है। तो जैसे कि यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको अपना स्टेट यहाँ पर फिल कर देना है, जो भी आपकी स्टेट है। उसके बाद यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कि जो भी आप जॉब के लिए यहाँ पर फाइंड करना चाहते हैं उसमें आपका कितने साल का एक्सपीरियंस है, उसको यहाँ पर आप सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कि आप किस टाइप का जॉब चाहते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब दिया गया है, जॉब्स ऑफर वोमेन के लिए दिया गया है, तो यहाँ पर आपको गवर्नमेंट जॉब सिलेक्ट कर देना है, अपने अनुसार से सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर यह भी है कि आप कितना टाइम के लिए वर्क करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। फुल टाइम वर्क दिया गया, फ्रॉम होम से भी आप कर सकते हैं। उसके बाद इंटर्नशिप से भी कर सकते हैं।
तो जिसके थ्रू से आप करना चाहती उसको यहाँ पर आप सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद दोस्तों आपको सर्च के ऊपर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही सर्च पर क्लिक करेंगे वैसे ही यहाँ पर आपका एक नया फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो भी जॉब के लिए आप सिलेक्ट किए उसका जॉब के रिलेटेड आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर इस फॉर्म को फिल करना होता है कि आप जहाँ पर जॉब करना चाहते हैं वो आप कितने टाइम के लिए, सब कुछ वही चीज़ें यहाँ पर बेसिक चीज़ें दिया गया है। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल करना है, यहाँ पर कोई भी खास चीज़ नहीं दिया गया है जैसे कि आप देख सकते हैं। तो सब कुछ यहाँ पर आपको फिल करके आपको सर्च पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा और फिर यहाँ से आप डायरेक्ट जॉब के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो काफ़ी पसंद आया। अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल जरूर कर लीजिएगा।